हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज गाइज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है, ये सब कुछ हम डिटेल देखेंगे और आपके पर्सन आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे वो भी देखेंगे। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और जो ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको थैंक यू सो मच। आपके लव एंड सपोर्ट के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आपका। चलिए गाइस देखते हैं कि क्या निकल कर आता है, क्या एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। तो गाइज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी जो है अगर जॉब करती है या आपके पर्सन जॉब करते हैं, तो थर्ड पार्टी हो चाहे आपके पर्सन हो, जो भी जॉब करते हैं वो ट्रैवल करते हैं और वो चाहते हैं कि मतलब थर्ड पार्टी चाहती है कि हम यहाँ से दूर चले जाएं कहीं निकल करके, जो फैमिली के अलावा है, जो थर्ड पार्टी फैमिली के अलावा है वो ये चाहती है कि हम कहीं दूर चले जाएं और यहाँ पर हम ना रहें, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके पर्सन का झुकाव आपकी तरफ होने लग गया है। ऐसा थर्ड पार्टी को फीलिंग्स आ रही हैं कि अभी मेरी वैल्यू कम होती हुई दिखाई दे रही है और मुझे क्या करना चाहिए कि इसको लेकर के कहीं दूर चले जाना चाहिए। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी ट्रैवल करना चाहती है आपके पर्सन को लेकर के, चाहे आपके पर्सन मेल फीमेल कोई भी हैं, चाहे आपके पर्सन जॉब करते हों या थर्ड पार्टी जॉब करती हो, जैसी भी सिचुएशन हो, जैसा रेजोनेट हो वैसा ले लीजिए, लेकिन वो नहीं चाहती कि वो यहाँ पर रुके। यहाँ पर गाइज मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी काफ़ी टाइम से कुछ सर्च कर रही थी, थर्ड पार्टी काफ़ी टाइम से अपना माइंड लगा रही थी, थर्ड पार्टी काफ़ी टाइम से सोच विचार कर रही थी, थर्ड पार्टी काफ़ी टाइम से लोगों से डिस्कस भी कर रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। ऐसा उनको फीलिंग्स आ रही थी कि मुझे अब कोई ना कोई दाव पेच लगाना चाहिए। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी रात और दिन बेचैन हुई जा रही थी आपके पर्सन को लेकर के, आपके पर्सन को वो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उसकी रातों की नींद हराम हो रही है, वो रात और दिन यही सोचती है कि मुझे कोई ना कोई ऐसी ट्रिक चलनी चाहिए ताकि इसका ध्यान वहाँ से डाइवर्ट हो जाए, यानी कि आप मेरे व्यूवर्स की तरफ उनका ध्यान लगने लगा है, क्योंकि आप मेरे व्यूवर्स इतने अच्छे हैं, इतना सच्चे हैं, आप इनर वर्क करते हैं, आप गॉड से प्रे करते हैं कि हमारा पार्टनर जो है वापस आ जाए, तो थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं एहसास होने लग गया है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी की दुआ काम कर रही है और इसकी वजह से ही ये पर्सन जो है मेरे से दूर होता मुझे दिखाई दे रहा है। अब गाइज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन के साथ में उड़ान भरना चाहती है, कहीं दूर जाना चाहती है, बहुत ही खुश रहना चाहती है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपके पास में अब बिल्कुल भी आने नहीं देना चाहती आपके पर्सन को। थर्ड पार्टी चाहती है कि हम बहुत दूर चले जाएँ, कोसों दूर निकल जाएँ, ताकि मेरे जो पार्टनर हैं, यानी कि जो थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर फंसे हैं, उनको वो अपना सब कुछ मानती हैं कि वो लौटकर वापस कभी भी अपने पार्टनर के पास ना जाएं, ऐसा थर्ड पार्टी सोचती है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी आए दिन आपके पार्टनर को लव का ऑफर देती है, आए दिन आपके पार्टनर को इतना सारा प्यार देती है, लेकिन आपके पार्टनर फिर भी उदास बैठे हैं, वो उनके प्यार को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ही उदास बैठे हैं, थर्ड पार्टी वन बाय वन करके लव के कफ जो है ऑफर कर रही है, और लेकिन थर्ड पार्टी जो है जी जान लगा रही है उसको मनाने के लिए, उसको प्यार देने के लिए, लेकिन आपके पर्सन जो है बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो जितने भी कप
ऑफर कर रही है थर्ड पार्टी, आपके पर्सन उनको उल्टा करके रख देती हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा एहसास होने लगा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नेगेटिविटी है। आप यहाँ पर स्नेक देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कप है ना, इनमें प्यार नहीं जहर भरा हुआ है। आपके पर्सन को ऐसा वाइब्स आती हैं कि इनमें प्यार नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती है मुझे, सिर्फ और सिर्फ धोखा दिखावा और जो है चीटिंग पॉलिटिक्स ये दिखाई देती है। अब कहीं ना कहीं उनको एहसास होने लग गया है कि ये सब प्यार नहीं है, ये रियल प्यार नहीं है। कहीं ना कहीं उनको अंदर से उनकी फीलिंग्स ऐसी आती हैं उनको कि ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ एक जो है एक तरह से एक मीठा जहर है जो मेरी रगों में घूम रहा है इतने टाइम से और मैं इसको और पी नहीं सकता हूँ। ऐसा उनको एहसास होने लग गया है कि ये जहर अब मेरी रगों में इतना दौड़ने लग गया है कि मैं चाहकर भी इसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ। जैसे ड्रग्स काम करती हैं इसी तरह से ये भी काम कर रहा है। तो आपके पर्सन को ये एहसास हो गया है कि जिस तरह से ड्रग्स मेरे रगों में अगर घूमता, यानी कि मैं ड्रग्स लेता, तो उस तरह से ये असर दिखाने लग गया है। तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको उड़ेल देना चाहिए, ऐसा आपके पार्टनर के माइंड में आ रहा है। तो जब भी थर्ड पार्टी लव का कफ ऑफर करती है तभी उसको उल्टा करके रख देती है, यानी कि उस लव को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं दिल से। यहाँ पर ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी सीढ़ी लगा करके उनके पास जाती, कहने का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप उनकी तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन आपके पर्सन जो हैं उसकी तरफ देख नहीं रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो अभी बहुत उदास है वहाँ पर। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे मेरी ज़िंदगी तो बस नरक बना दी इसने, क्योंकि थोड़े टाइम का अट्रैक्शन जो है ज़िंदगी भर का श्राप बन गया है। उनको ऐसा वाइब्स आती हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर बन चुका हूँ और मैं यहाँ से अभी निकल नहीं पाऊँगा, पता नहीं निकल भी पाऊँगा कि नहीं निकल पाऊँगा, पता नहीं मुझे वही इज्जत मान सम्मान मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा मेरे पार्टनर से, पता नहीं समाज में मुझे लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, पता नहीं मेरा पार्टनर मुझे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। इस तरह की फीलिंग्स आपके पर्सन के माइंड में आ रही है, रात और दिन यही सोच रहे हैं। वो बैठते हैं तभी यही उनके माइंड में आता है कि ये सब क्या हो गया है, क्योंकि उनका प्यार कहीं ना कहीं आपके लिए है, ये कप जो है वो आपको ही देना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी के तो कप उन्होंने वापस उल्टे करके रख दिए हैं, लेकिन ये कप आपके लिए रख रखा है उन्होंने सेफ, कि जो इसका हकदार है उसे ही ये कप मिलना चाहिए और मैं किसी को नहीं देना चाहता हूँ। जो अभी तक मैंने गलती कर दी है वो अब मैं गलती दोहराना नहीं चाहता हूँ, ऐसे आपके पार्टनर की वाइब्स मुझे दिखाई दे रही हैं। और देखिए आप जहाज़ दिख रही हैं यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी उनको ले जाना चाहती है, कहीं दूर ले जाना चाहती है। हो सकता है वो जॉब करते हो वहाँ पर जाए, या वो खुद जॉब करती हो तो वहाँ पर ले जाएँ, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी की जो प्लानिंग है वो अभी बहुत ही जो एक कहते हैं ना कि किसी को नहीं बताने वाली थर्ड पार्टी की सीक्रेट रख रही है वो, कि हम चुपचाप यहाँ से निकल जाएं, किसी को भनक भी ना हो कि हम कहाँ गए थे, ठीक है, ताकि हमारे पीछे पीछे कोई ना आए। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी मन ही मन बहुत खुश हो रही है पेंटिकल्स को लेकर के भी। हो सकता है थर्ड पार्टी खुद कमाती हो सकता है कि आपके पार्टनर के पैसे हों, लेकिन वो पेंटिकल्स को लेकर के यानी कि रुपए पैसे को लेकर के इतना खुश नजर आ रही है कि हम वहाँ पर झूमेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा, ऐसा वो सोच करके खुश हो रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइस की थर्ड पार्टी जो है पूरी प्लानिंग कर चुकी है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी वजह से बार बार ये खुशी का कार्ड आ रहा है, बार बार वो जो है झूम रही है, गा रही है, नाच रही है। हो सकता है कि उसने प्लानिंग कर ली हो, इसी की वजह से वो इतना खुश हो रही है। और सन का कार्ड यही बताता है कि वो एक नई शुरुआत अपनी लाइफ की करना चाहती है, जो फैमिली के अलावा है उसकी बात हो रही है, ठीक है। चलिए फैमिली के बारे में और देख लेते हैं कि फैमिली में क्या चल रहा है। जिनकी फैमिली इन्वॉल्व है उसमें क्या चल रहा है, चलिए देखते हैं। फैमिली इन्वॉल्व है वहां पर, तो गाइस मुझे टावर दिखाई दे रहे हैं जिनकी फैमिली इन्वॉल्व है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी बहुत ही स्ट्रिक्ट हो रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किसी की मदर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर लेडी दिखाई दे रही है, किसी के फादर भी हो सकते हैं। वाओ देखिए गाइस, इसी के जस्ट नीचे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों एक साथ हैं,
दोनों ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर को, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं आप, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये देखिए, किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों ही एक साथ आए हैं, दोनों ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, एक उधर से एक उधर से। यानी कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ पर इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइज कि आपके पार्टनर की लाइफ पर इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, और आपके पार्टनर जो है ऐसा भी मुझे लग रहा है कि उनके और उनकी फैमिली के बीच में लड़ाई हुई है। ये देखिए, यह धमाका होने वाला है, द टावर आया है, धमाका होने की संभावना भी मुझे दिखाई दे रही है, बिजली कड़क रही है, बहुत बुरी तरह से तूफान सा उठ रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि देखिए किस तरह से सब कुछ तहस नहस हो रहा है। मुझे यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की चाहत जो है आपकी तरफ बढ़ती जा रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इसकी वजह से थर्ड पार्टी को भनक लग गई है, थर्ड पार्टी को समझ में आ गया है कि ये अभी हमारे पास रुकने वाला नहीं है या रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इसका झुकाव अभी अपने पर्सन की तरफ होता जा रहा है, क्योंकि आपके पर्सन जो है उनसे डिस्कस करते होंगे कि मुझे फाइनेंस चाहिए, मुझे फाइनेंस चाहिए और मैं अपनी एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, क्योंकि ये कार्ड बताते हैं। इसी की वजह से थर्ड पार्टी में और आपके पर्सन के बीच में टावर आने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है, या हो सकता है कि आया भी हो। ठीक है, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी के और आपके पर्सन के बीच में तनातनी चल रही है, आप बिल्कुल भी दोस्ती नहीं है, ठीक है, चाहे वो फैमिली हो चाहे कोई भी हो। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी जो है अपने पेंटिकल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा सतर्क हो गई है कि कभी ये पेंटिकल्स भी चले गए तो फिर हम क्या करेंगे। देखिए, उनको पकड़े बैठी है थर्ड पार्टी कि अब ये पेंटिकल्स चले गए तो ये कभी लौट करके वापस नहीं आएंगे, इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइस कि थर्ड पार्टी जो है उनके साथ में पार्टी करने की कोशिश करती है, चाहे वो फैमिली है, उनको अच्छा अच्छा सर्व करती है, अच्छा भोजन खिलाती है, अच्छे से उसकी देखभाल करती है, लेकिन आपके पर्सन जो है उन चीज़ों को वो पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब झुकाव आपकी तरफ हो रहा है उनका तो वो उनको पसंद। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो हैं अभी आप ही के बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल भी उनके ऑफ़र को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उन वो जो भी कुछ कहते हैं उनको बिल्कुल भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, एट ऑफ वेंड्स की एनर्जी है कि वो उनको कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं, कुछ ना कुछ जो है उनको बताना चाहते हैं, उनकी तरफ कोई ना कोई जो है वो एक्शन लेकर के उनके साथ में कुछ नए शुरू करना चाहते हैं, तो भी आपके पर्सन जो है बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत ही उदास हैं, बहुत ही निराश हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि उनको एहसास हो गया है कि अभी ये रुकने वाला नहीं है या रुकने वाली नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दोनों ही देखो कैसे एक का फेस इधर है और एक का फेस इधर है, दोनों ही उदास बैठे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अभी आपके पर्सन को लेकर बहुत टेंशन में है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को लेकर के ये बहुत टेंशन में है। टेंशन में आ गई थर्ड पार्टी और धमाका हुआ है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ केसेस में हो सकता है कि धमाका होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर तो सिचुएशन बहुत ही खराब होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आपका प्यार आपके पर्सन को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। सेवन ऑफ वेंड्स, हो सकता है कि आपके पर्सन प्रे कर रहे हों, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हों या पूजा पाठ करने लग गए हों, या गॉड को उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसकी वजह से ही झुकाव आपकी तरफ होता जा रहा है, या आप भी इनर वर्क कर रहे हैं, आप भी गॉड से प्रे कर रहे हैं रोज़, आप भी जो है रेड तारा माँ और ग्रीन तारा माँ का मंत्र सुन रहे हैं, तो उनका भी असर इसके ऊपर होता है सिचुएशन पर, तो सिचुएशन चेंज होती है, ठीक। तो गाइस, लगे रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहेंगे तो ही सब कुछ पॉजिटिव अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थी आपके पार्टनर की और थर्ड पार्टी की एनर्जी। अभी हम आपके पार्टनर की और आपकी एनर्जी देख लेते हैं क्या है। चलिए गाइस, देख लेते हैं आपके पार्टनर की और आपकी एनर्जी क्या है। बहुत ही निराशा ही निराशा है, एडिक्शन भी है, देखिए गाइस बहुत दर्द है इस रीडिंग में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा दर्द है इस रीडिंग में। देखिए, यहाँ पर बहुत ही उदासी ही उदासी है, बहुत ज़्यादा उदासी ही उदासी है। आपके पार्टनर का हाथ देखिए आपकी तरफ, कैसे वो जैसे भीख मांग रहे हों,
जैसे वो प्यार की भीख मांग रहे हो, जैसे वो अपनी खुशियों की भीख मांग रहे हो आपसे। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ही, देखिए इतने सारे कार्ड है, सब में सैड की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा उदास हैं। देखिए सिक्स ऑफ कप्स, वो आपके साथ में बिताए वो पल याद कर रहे हैं, बैठे बैठे वो रात और दिन आपके साथ बिताए हुए हर पल को याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुख में है ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ गाइस कि उनको ऐसा लगता है कि मैंने उनके साथ में चीटिंग की है, धोखा किया है, बहुत बुरा बर्ताव किया है, टॉक्सिक बना दिया इस रिलेशनशिप को। उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस बात का कि मैंने सब क्यों किया। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में है आपको लेकर के, और उनको एडिक्शन है आपको लेकर के, वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, आपको लेकर के एडिक्शन फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप हैं तो मेरी ज़िंदगी है, वरना कुछ भी नहीं है। उनको अभी ऐसी वाइब्स आ रही हैं, उनको अभी ऐसी फीलिंग्स मन में चल रही हैं कि मैं आपको जा कर के अप्रोच करूँ, आपको जा कर के मैं मिलूँ, आपसे मैं अपनी ज़िंदगी शुरुआत करूँ, ऐसा वो सोच रहे हैं। यहाँ पर मुझे गाइस दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा निराश हैं। वो जो कप गिर गए हैं उनको देख रहे हैं, पास्ट को देख रहे हैं कि पास्ट में ये सब क्या हो गया, मैंने क्यों सब कुछ तबाह कर दिया, मैंने क्यों सब कुछ तहस नहस कर दिया, ये सब मुझे नहीं करना चाहिए था। और अभी भी दो कप बाकी हैं, उनको देख नहीं रहे हैं बिल्कुल भी कि उनमें अभी भी प्यार बाकी है, लेकिन उनको उस चीज़ का रिग्रेट है जो ख़त्म हो चुका है, जो पास्ट था उसको लेकर के बैठ करके सोच रहे हैं और रोना भी शुरू कर देते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बैठे 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 जो है उनकी आंखों में अपने आप ही आंसू भी निकल आते हैं कि ये सब क्या हो गया, मैंने क्यों सब कुछ ख़त्म कर दिया, अपनी लाइफ की खुशियाँ मैंने क्यों ख़त्म कर दी। ऐसे आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रहा हूँ कि तब से, जब से आपसे वो दूर गए हैं, तब से उनको ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने मुझे बांध कर रखा हो, जैसे किसी ने मेरे ऊपर जादू कर दिया हो, ऐसा उनको वाइब्स आ रही है कि मुझे बांध कर रख दिया है इन्होंने, मैं हिल डुल नहीं रहा हूँ, मैं अपनी खुशी से अपनी ज़िंदगी को जी नहीं रहा हूँ। उनको ऐसा लगता है कि जैसे मेरी ज़िंदगी तो अब ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत पेन में हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं ये तीन जो सोर्स हैं। उनको ऐसा लगता है कि अभी तक मेरे सीने में है, जैसे मैंने अपने पार्टनर को जो दर्द दिया है, जो दुख दिया है, वो आज मेरे सीने में चुभ रही हैं। उनको ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि मैंने उनको रुलाया है तो आज मुझे मेरा कर्मा मुझे मिल रहा है। उनको ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि ये कर्मा जो मैं भोग रहा हूँ, ये मुझे मेरे कर्मों का ही फल मिल रहा है। जो मेरे पार्टनर की आंखों में आंसू मैंने दिए थे, वो आज मुझे खुद को ही सब कुछ सहन करना पड़ रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके बारे में थिंकिंग चल रही है गाइस, बहुत ज़्यादा दर्द में है, बहुत ज़्यादा पेन में है। अब तो फिलहाल की एनर्जी मुझे यही दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये थी आपके पार्टनर की और आपकी एनर्जी। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप गाइज रीडिंग आपको रेजोनेट हुई, रेजोनेट तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।